भव्य स्वागत किया जाएगा। बीजेपी मुख्यालय पर स्वागत कार्यक्रम होगा जिसकी तैयारियां की जा रही है। बीजेपी मुख्यालय से तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता अनिल सेन ने। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल विदेश दौरे से राजस्थान वापस लौट रहे हैं और जयपुर जब लौटेंगे तो उनका भव्य स्वागत जयपुर में किया जाएगा। सबसे पहले एयरपोर्ट पर तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनका अभिनंदन करेंगे और फिर एयरपोर्ट के बाद में भाजपा मुख्यालय पर आप देख रहे होंगे तस्वीरें, मैं आपको जन टीवी के दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर आज ही तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। ये पंडाल यहाँ पर लगाया जा रहा है भाजपा मुख्यालय के बाहर। ये जश्न की तैयारियां हैं और स्वागत की तैयारियां हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 6 दिवसीय विदेश प्रवास पे पहले जर्मनी थे और उसके बाद में जर्मनी से सीधे लंदन पहुंचे और लंदन से अब देर रात दिल्ली पहुंच जाएंगे और दिल्ली से फिर जयपुर जो है उनका रुख यहाँ पर होगा। जयपुर आने के साथ में अभिनंदन स्वागत उनका यहाँ पर किया जाएगा जो कि भाजपा मुख्यालय के बाहर देखा जा सकता है कि किस तरह से भव्य स्वागत भव्य अभिनंदन करने को लेकर यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं। ये मंच, ये पांडाल और ये जो कुर्सियाँ यहाँ पर लगाई जा रही हैं ये तमाम कार्यकर्ताओं की व्यवस्था के अनुरूप यहाँ पर सजाया जा रहा है और ये जो मंच है इस मंच का अंतिम रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ में तमाम जो दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेश के वो यहाँ पर इस मंच पर मौजूद रहेंगे। यानी जो निवेश को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान के चहुमुखी विकास को लेकर विदेश दौरा वहाँ पर किया है, कुछ MOUs वहाँ पर किए गए होंगे, कुछ इन्वेस्टर्स से वहाँ पर मुलाकात की गई होगी और उद्योगों के साथ में जो बिजनेसमैन थे उनके साथ में जो बेहतर संवाद रहा है और फिर राजस्थान के लिए क्या सौगात लेकर आए। सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि जापान और दक्षिण कोरिया से भी जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान लौटे थे तो काफ़ी जो निवेश था उसको लेकर MOU साइन वहाँ पर किए गए थे। ऐसे ही मीटिंग्स, रोड शो हम देख रहे हैं लंदन और जर्मनी दोनों में वहाँ पर किए गए हैं और उसके बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो जयपुर यहाँ पर लौट रहे हैं। तो ऐसे में राजस्थान का चहुमुखी विकास हो, राजस्थान 2047 में विकसित राजस्थान की राह पर आए और विकसित राजस्थान बने उसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लगातार प्रयास देखे जा रहे हैं और उसके साथ साथ राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट जो आयोजित हो रहा है, राजस्थान राइजिंग इन्वेस्टमेंट समिट, उसकी तैयारियां, उसमें निवेश कैसे आ सकता है उसको लेकर भी विदेश दौरे कर रहे हैं। इस बार जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था मुख्यालय के अंदर उनका भव्य स्वागत किया गया था और इस बार उससे भी बेहतर और बड़ा स्वागत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का करने की तैयारी बीजेपी यहां पर कर रही है। अब देखना होगा कि आखिरकार जो दौरा लंदन और जर्मनी का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रहा है कितना सफल रहा है और राजस्थान के लिए कितना निवेश हो पाएगा, इस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। सहयोगी मनमोहन रेवसिया के साथ अनिल सेन, जयपुर।